नमस्कार आप सभी लोगों को। कोरोना के इस महामारी के दौर में सबसे ज़्यादा आवश्यकता अगर किसी की पड़ी है तो एक तरफ कोरोना का संक्रमण जहां तक जारी है तो दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों में खाने पीने की समस्या उत्पन्न हो चुकी है। इस लॉकडाउन के कारण सभी घरों में कामकाज बंद हो चुके हैं। इसको ध्यान में रखते हुए डुमराओं के ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिन्होंने कि घर घर जाकर लोगों तक सहायता पहुँचाने का बीड़ा उठाया है। आज हम निकल पड़े उन्हीं संगठन के लोगों से बात करने के लिए जिन लोगों ने ऐसे संक्रमण के दौर में जहां पर कोई जाना आना पसंद नहीं कर रहा इसके बावजूद ये लोग जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात करके उनसे डोनेशंस भी ले रहे हैं और उन घरों तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जहां पर बहुत ही ज़्यादा लोगों में समस्याएँ हैं, जिन घरों में चूल्हे जलने में परेशानी हो रही है, जहाँ पर भूख एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। तो आइए आज ऐसे ही संगठन से आपकी मुलाकात। जब जब डुमराओं में ज़रूरत पड़ी और जब जब कोई विपत्ति आई डुमराओं में तो मुझे हमेशा याद है अतीत में भी स्वयं शक्ति वो नाम है जबकि डुमराओं की जनता के लिए सामने आई, स्वयं शक्ति के तमाम साथी सामने आए और डुमराओं में आने वाली हर एक ज़रूरत को इन लोगों ने पूरा किया। अभी कोरोना महामारी का दौर चल रहा है और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी स्वयं शक्ति की डुमराओं के लोगों की सेवा करने के लिए। तो अभी हम स्वयं शक्ति के साथियों के साथ खड़े हैं। हमारे पास प्रशांत रॉय, राजन तिवारी, धीरज मिश्रा जी, आशुतोष त्रिपाठी जी, सुमित जी और भी इनके तमाम सदस्य जो कि स्वयं शक्ति में कार्य करते हैं वो हमारे साथ हैं। आशुतोष जी, आपको और आपकी टीम को पूरी बधाई। धन्यवाद। काफ़ी अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं। कई गांव आप लोग गए होंगे, क्या आपने महसूस किया आज के समय में जब आप लोग घरों को विजिट किया, कैसी मुसीबतें हैं उन घरों में जहां तक आप पहुँच रहे हैं? देखिए, मुसीबतें बहुत तमाम तरह की हैं लेकिन सबसे बड़ी परेशानी है जो लोग जिनका काम रोज़गार और जिनकी आमदनी बंद है उनके पेट तक अनाज जा पाए ताकि उनका पेट भरा रहे और बाकी सब सुविधाएँ जो आदमी के मूल जीवन में आवश्यकता पड़ती है उसको पूरा करने का हम और हमारी पूरी स्वयं शक्ति की टीम पूरा करने का काम कर रही है। काफ़ी अधिक फंड की भी आवश्यकता पड़ती होगी जितना डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। नगर के कुछ अभिभावक हैं, कुछ गणमान्य हैं और स्वयं शक्ति के सभी नौजवान हैं, अपने जी जान से लगे हुए हैं और दाता भी बहुत सारे हैं। बहुत सारे ऐसे दाता हैं जो कहते हैं कि हम आपका सहयोग करेंगे बिना किसी नाम का और प्रचार तंत्र से दूर रह के, अब हम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। कितने दिन हो गए लगभग आपको ये तमाम कार्य करते हुए? एक महीना चार दिन। और अभी पूरी कोशिश है आप लोगों की कि जब तक आवश्यकता पड़े लॉकडाउन रहेगा तब तक हमारा ये कार्य निरंतर जारी रहेगा। कुछ परिवर्तन आया होगा अभी राशन कार्ड, बहुत सारे लोगों के इश्यूज हो गए, सरकार काफ़ी ज़्यादा राशन दे रही है। थोड़ी सी प्रशासन की ढील है, बाकी धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। अभी ऐसे कितने गाँव हैं जो डुमराओं के आसपास आप लोगों ने टच किया है, ये भी ध्यान में रखते हुए कि कंटोनमेंट एरिया के हम लोग काफ़ी करीब हैं तो अपना भी सेफ्टी का ख्याल रखना होता है। हम लोगों ने नगर डुमराव शहर को ज़्यादा क्या कहते हैं चिन्हित करने का काम किया है और अगल बगल के कुछ गांव हैं जैसे कि नवा डेरा हो गया, कालूपुर हो गया, नंदन चट्टी हो गया, ये सब गांव को छूने का प्रयास किया है। बहुत दूर अपना दायरा नहीं बढ़ाया है लेकिन जितना बढ़ाया है ठोस तरीके से और मजबूती से उन तक सारी सुविधाएँ पहुँच सके। स्वयं शक्ति की टीम को हमारी तरफ और राजन तिवारी जी यहाँ पर आप उपस्थित हैं, आप तो एक समाजसेवी भी हैं, एक नेता भी हैं और स्वयं शक्ति को काफ़ी हद तक आप लीड भी करते हैं, तो अभी के समय में कैसी ज़रूरत आप पूरा कर पा रहे हैं अपने स्वयं शक्ति की टीम के माध्यम से? हम अपनी स्वयं शक्ति टीम के माध्यम से जो लोग असहाय हैं, जिन्हें खाने की परेशानी हो रही है, रोज़गार बंद है, उन लोगों को हम लोग राशन पहुँचा रहे हैं और हम लोग राशन उपलब्ध कराए हैं। शहर के कुछ गणमान्य लोग हैं जो हम लोगों को सहयोग कर रहे हैं इस मुहिम को पूरा करने में और हमारा और हमारे टीम का यही टारगेट है कि कोई भूखा ना रहे। और आपके स्वयं शक्ति के जो साथी हैं उनके बारे में जो आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं? हमारे साथी टीका मिश्रा हैं, धीरज मिश्रा, सुमित गुप्ता, प्रशांत राय, आशुतोष त्रिपाठी, सभी लोगों का भरपूर सहयोग रहता है जो सब लोग हम लोग मिल के सारे इस काम को कर रहे हैं। आप लोग और भी सेवा करें और लगातार आप लोग लगे रहें, आपकी टीम को हमारी तरफ से बधाई। धन्यवाद। स्वयं शक्ति के ही साथी सुमित गुप्ता हमारे साथ हैं। काफ़ी दिनों से मैं आपको अपने भी मोहल्ले में देखता हूँ, हमेशा अपने बाइक पर राहत सामग्री लेकर आप घूमते रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा सेवा करें, कैसी अनुभूति हुई आपको इस महामारी में लोगों की सेवा करते समय? हमको संगठन की ओर से यही कहना है, हमारा शुरू से ही एक ही स्लोगन था, स्वयं गरीबों के सम्मान में स्वयं शक्ति मैदान में। तो जब जब गरीबों पर आफत आएगी, विपदा आएगी, हम गरीबों के साथ खड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा फंड की भी आवश्यकता पड़ती होगी आप लोगों को? हमारे कुछ अभिभावक गार्जियन हैं जो कि हमें पीछे से फंड और ये पुनित कार्य को देखते हुए कोई भी फंड देता है, इसमें पूरे डुमराव शहर के तमाम गणमान्य लोग हैं।
आपके इस प्रयास की हम पूरी सराहना करते हैं। राष्ट्र हिंदू नवेकता दल अभी के समय में डुमराव में काफ़ी ज़्यादा राहत सामग्री वितरण कर रही है। मैं इनके कार्य से काफ़ी प्रभावित हूँ और जिस तरीके से इन लोगों ने मानव की सेवा की है, मैं इनसे बात करना चाहूँगा। प्रकाश जी हमारे साथ है, काफ़ी दिनों से आप लोग राशन वितरण कर रहे हैं, ये एक बहुत ही अच्छा कार्य, अनेक कार्य आप कर रहे हैं। कहाँ कहाँ आप लोग पहुँच रहे हैं और किन किन जगहों पर आप जा रहे हैं? सर, हम लोग डुमराव के हर गली हर घर घर पहुँच रहे हैं और डुमराव के आसपास जो गाँव है उन लोग तक भी हम लोग पहुँच रहे हैं। जहाँ का भी हम लोग ऐसे फ़ोन नंबर फेसबुक और सब जगह पहुँचा दिए हैं, जहाँ से भी फ़ोन आता है सबसे पहले वहाँ हम लोग जाके राशन देते हैं सर। तो जहाँ से भी फ़ोन आती है, आवश्यकता पड़ती है। लाल जी, आप ये बताइए कि बहुत सारे गांव में गए होंगे, क्या क्या परेशानी आप लोगों को देखने को मिली? परेशानी ऐसा है ना सर कि पूछिए मत। जहाँ हम लोग जाते हैं, बूढ़ा बुढ़ी और जवान औरत भी ऐसा है कि जिनके पास राशन कार्ड ना है, उनको हम लोग राशन अभी फिलहाल दे रहे हैं और कोशिश में लगे हैं कि उनका राशन कार्ड भी बन जाए। काफ़ी ज़्यादा ये भी ध्यान देना पड़ता होगा आप लोगों को, क्योंकि संक्रमण का भी खतरा है। हम लोग डुमराव काफ़ी कंटोनमेंट जोन के काफ़ी नज़दीक हैं, तो अपने आप को बचाकर आप लोग सेफ रखते हैं अपने आप? जी सर, जब से हम लोग 23 तारीख से जब से प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन की घोषणा की है, तब से हम लोग ये कार्य कर रहे हैं राहत सामग्री वितरण का, और हम लोग खुद को बचाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों की सेवा में लगे हैं। तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन ज़रूरी है। अभी आप लोग कहाँ निकलने की व्यवस्था किए रखे हैं? यही एक मोहल्ले से कॉल आया है, वहाँ जाके हम लोग को वितरण करना है, डुमराव में ही। यस, आपको भी थोड़ा सा आगे आ जाइए, आपको भी काफ़ी दिनों से देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सेवा में लगे हुए, कैसा लगा आप लोगों को ये सब? थोड़ा रिस्क भी है आप लोगों के अपनी लाइफ का इसमें। जी बिल्कुल, तो समाज सेवा भी तो करना है, उसमें सारे लोग राष्ट्रीय हिंदू नवेकता दल के कार्यकर्ता सेवा में लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इन लोगों को पास भी वितरण किया गया है, इनके गले में पास भी लटक रहा है, ताकि कोई समस्या होती है जाने में इधर उधर? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है, हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं और आगे भी हम लोग कोशिश में लगे रहेंगे। आप सभी लोगों के प्रयास की हम सराहना करते हैं, बहुत अच्छा कार्य आप लोग कर रहे हैं, डुमराव की जनता ये जाने और डुमराव के लिए काफ़ी अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। भगवान आप लोगों को ऐसे ही तरक्की दे ताकि मानव सेवा आप लोग करें। डुमराव नगर पंचायत माँ काली आश्रम आप लोग तो जानते ही होंगे, वहाँ माँ काली के सेवक ने ये डिसाइड किया है कि इस महामारी के दौर में माँ काली की सेवा तो हमेशा होती रही, तो डुमराव में मानव सेवा को आवश्यक समझते हुए बहुत सारे पूजा समिति के सदस्यों ने एक बीड़ा उठाया है उन लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने के लिए जहाँ पर समस्याएँ उत्पन्न हो चुकी हैं इस लॉकडाउन में। तो बहुत सारे यहाँ पर लोग, अभी पैकिंग भी चल रही है। बंधन जी हमारे साथ है, काफ़ी दिनों से आप लोग सेवा में लगे हुए हैं जब से लॉकडाउन हुआ है, पहले तो अनेकों बधाई आपकी पूरी कमेटी को। आपको भी नमस्कार। आपने देखा कि लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई, आप घर घर जाते भी होंगे, क्या समस्याएं आपको देखने को मिली उन घरों में? यहाँ डुमराव नगर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोजमर्रा के कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि ठेला चलाने वाले हो गए, कहीं रास्ते में ठेला लगा के पकौड़ी सब्जी ये वो बेच के बिल्कुल बहुत सारे लोगों का रोजगार बंद हो गया है। अभी के दौर में उन लोगों के पास भुखमरी की समस्या आ गई है और खाने पीने के लिए कोई भी साधन नहीं है। तो हम लोग श्री काली आश्रम डुमराव नगर पंचायत के सारे सदस्यों ने एक मानव सेवा समिति करके इसके साथ जोड़ दिया है, श्री काली आश्रम डुमराव नगर पंचायत मानव सेवा समिति। जी जी। इसके तहत पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने अपने आश्रम से ऑक्सीजन गैस जी सभी लोगों को मुफ्त में देने की सलाह की, और उस समय से हम लोगों ने जो भी ऐसे ज़रूरतमंद व्यक्ति होते हैं या हम लोगों को समझ में आ जाता है कि ऐसे लोग हैं या कहीं से पता चल जाता है, तो हम लोग उन लोगों को ऑक्सीजन गैस बिल्कुल निःशुल्क मुहैया कराते हैं। जी। साथ में जब ये लॉकडाउन लग गया तो हम लोगों ने एक तुरंत मीटिंग किया जी। मीटिंग में सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए जी। हम लोगों ने राय लिया कि क्यों ना आज से ये बीड़ा उठा लिया जाए कि जो भी असहाय गरीब व्यक्ति हैं जिनको खाने की जुगाड़ नहीं है उन तक हम लोग राशन पहुँचाया जाए। इसके तहत हमने SDO साहब से परमिशन लिया और मुझे परमिशन भी मिल गया, और लगातार 29 तारीख से अभी तक हम लोगों ने गरीब असहाय परिवारों को राशन मुहैया करा रहा है। यहाँ तक कि डुमराव के 26 वार्ड जहाँ जहाँ हम लोगों को पता चलता है या हम लोग खुद जाके सेलेक्ट करते हैं कि किनको राशन की ज़रूरत है, साथ साथ हम लोगों ने नंदन गांव बगल में है, चौंगाई
कुरान सराय, नया भोजपुर में कुछ बंजारी लोग आके बसे हुए हैं, सरैया डुमराव रोड में बंजारे लोग बसे हैं, उन लोगों को उस दिन से अभी तक हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी घर में चूल्हा न बुझे, हर कोई रात को खाके जरूर सोए। तो ईश्वर की भक्ति के साथ साथ आवश्यक होता है कि जरूरत पड़ने पर मानव की सेवा हो, और मानव सेवा समिति के नाम से इन लोगों ने माँ काली आश्रम से एक नया नाम जोड़ा, जो कि बताता है कि सनातन धर्म का पालन करने वाले आवश्यकता पड़ती है, तो धर्म को पालन करते हुए मानव की सेवा में उतर आते हैं बिना किसी जाति और धर्म को देखते हुए। मैं आपकी मानव सेवा समिति की ढेरों शुभकामनाएं देता हूं, आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। आपको भी नमस्कार, धन्यवाद। कोरोना वॉरियर्स की टीम अभी डुमराव में सेवा भावना में लगी हुई है, जैसे बहुत सारे संगठन है जो कि डुमराव में उन घरों तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं जहां पर परेशानी है। तो अभी अंकित हमारे साथ हैं, कोरोना वॉरियर्स की टीम में काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं मानव सेवा में। अंकित, सबसे पहले तो ढेरों बधाई आप जिस सेवा में लगे हुए हैं। थैंक यू सर। काफ़ी दिनों से आप घूम रहे होंगे, क्या लगा आपको इस महामारी में लोगों की समस्याएं? ये महामारी में ही लगा सर कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया है। अब आज के डेट में मिडिल फैमिली को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है, जो रोज कमाते खाते हैं, ठेला वाला हुआ, रिक्शा वाला हुआ, सबका बंद हो गया है, उससे सबको परेशानियां बढ़ चुकी है। कितने लगभग आपके कोरोना वॉरियर्स टीम में कितने लोग कार्यरत हैं? 6 से 7 लोग हैं सर। आप 6 से 7 लोग सभी जगह पहुंचने की कोशिश करते हैं? यस सर। काफ़ी ज़्यादा इसमें आप लोगों को भी डेंजर है क्योंकि हम लोग कंटोनमेंट एरिया के बिल्कुल करीब में है, तो अपने आप अपने सेहत का भी ख्याल रखते हैं आप लोग? वो तो रखते ही हैं सर, सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन करते हैं हमेशा हम लोग, और भीड़ भाड़ में ज़्यादा तो होता है कि हम लोग ग्लव्स मास्क सब यूज करते हैं हमेशा। किन किन जगहों को आपने अभी तक टच किया डुमराव के आसपास? डुमराव के बहुत सारे गांव हैं, जैसे अमसारी, नुआव, नेनुआ गांव, मतलब बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां हम लोग गए, फिर डुमराव के हर जगह पहुंचे हम लोग, डुमराव अनुमंडल के हर जगह लमसम पहुंच चुके हैं हम लोग। जहां ज़रूरत होता है, जहां SDM सर, DM सर फ़ोन करते हैं, जहां से मैसेज आता है वहां हम लोग पहले पहुँच जाते हैं। अटाव गाँव में गए थे, वहां पे कुछ लोगों का घर जला हुआ था, वहां हम लोग पहुँचे राहत सामग्री लेकर, मतलब जहां से फ़ोन आए वहां हम लोग पहुँच जाते हैं। तो काफ़ी आप लोगों को भी आवश्यकता पड़ती होगी ताकि लोग कुछ मदद करें, जब तक डोनेशन नहीं मिलेगा तो इतना राहत सामग्री वितरित हो नहीं सकता, तो काफ़ी ज़्यादा डुमराव के लोगों ने भी हेल्प किया होगा? बहुत ज़्यादा सहयोग मिला है, हर जगह से सहयोग मिल रहा है सर, अभी भी सहयोग मिल रहा है हम लोग को, डेली सहयोग मिल रहा है हम लोग को हर जगह से। देखिए कोरोना वॉरियर्स की टीम और भी हमारे इनके फ्रेंड्स लोग हैं जो कि इसमें कार्यरत हैं, तो सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सभी लोग मिलकर इस महामारी के दौर में उन घरों तक कम से कम पहुँचने की ज़रूर कोशिश करें जहाँ पर हमारी आवश्यकता है। थैंक यू अंकित, थैंक यू। दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं उन लोगों को सर जो हमारे सहयोग कर रहे हैं, जो हमें डोनेट कर रहे हैं, जो उन लोग की वजह से हम लोग किसी को घर पहुंचा सकते हैं राशन, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए इनका कहने का मतलब ये कि ये सिर्फ कैरियर हैं, बाकी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये थैंक यू बोल रहे हैं जिन्होंने इनकी टीम को सहयोग किया। थैंक यू, आप सभी लोग ऐसे ही आप लोग मानव सेवा करते रहे सर। थैंक यू सर।